नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली के पेट्रोल पंप पर अचानक ही छापेमारी से पंप संचालकों में हड़कंप मच गया और इसे जांच के आदेश जिला अधिकारी द्वारा दिए गए थे और जांच के लिए अधिकारियों की टीम भी गठित की गई थी। और इस टीम ने ही और शहर के करीब आधा दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की है और उनके सैंपल लेकर जाँच के लिए भी भेज दिए है। दरअसल आपको बताते चले कि शहर के ही कई पेट्रोल पंपों पर मिलावट को लेकर जिला अधिकारी के पास लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में ही 5 सदस्यों की टीम गठित की और पेट्रोल पंप की जांच के आदेश दिए। मैं सुरेश कुमार सरोज, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सदर महाराजगंज। कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को घटतौली के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि टीम गठित करके जो है पेट्रोल पंपों की जांच करा ली जाए। उसी के संबंध में आज शहर के कुछ पंपों की जांच की रही है। वर्तमान में मौके पर फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पर स्थित पंप की जाँच की जा रही है। यूपी कानपुर जाजमऊ थाना अंतर्गत प्रेमी जोड़े को मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ी में ही बैठते समय ट्रक ने टक्कर मार दी और जिसके कारण ही आपको बता दें कि दोनों प्रेमी प्रेमिका घायल हो गए। जाजमऊ पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों ही मध्य प्रदेश से एक प्रेमी जोड़ा कानपुर भाग कर आया था और जिसने बीती रात ही अपने आप को जाजमऊ थाने में सरेंडर कर दिया था। जाजमऊ पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी और सूचना पर प्रेमी जोड़े लेने पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस और जब मध्य प्रदेश पुलिस दोनों जोड़ों को अपनी गाड़ी में मध्य प्रदेश ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाने के लिए लगी और तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से दोनों घायलों को बता दें आपको कि उपचार के बाद से ही जिला अस्पताल ले जाया गया और इसके साथ ही अस्पताल वहां पर ही लेकर गए और पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। थाने परिसर में कैमरे लगे हैं और उनकी जांच की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की महिला कांस्टेबल जैसे ही जोड़े को गाड़ी में बैठाने लगी, पीछे से ट्रक ने अचानक टक्कर मार दी, मौके से ट्रक को पकड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश के दर्ज एक मामले में मध्य प्रदेश पुलिस यहाँ पे आई हुई है और जैसा कि हमने प्रथम दृष्टया अभी थाने से सूचना प्राप्त की है और थाने के उपलब्ध कैमरे के फीड भी देखे गए हैं, उनको हमने मंगवाया भी है। पता चला है कि मध्य प्रदेश की पुलिस जब उन दोनों को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, उस समय वहाँ पर किसी वाहन से उन्हें हल्की सी चोट लगी है। हालांकि सब कुछ सामान्य है, खतरे से बाहर हैं और उनका जो माइनर इंजरी है उसका ट्रीटमेंट भी उनका कराया जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन भी किया जा रहा है और वहाँ उपलब्ध सभी कैमरे के फीड्स, इनफैक्ट हमारे अपने कैमरे भी हैं और साउंड के साथ जो है वहाँ पे तमाम और भी कैमरे हैं, तो उन सबको हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की लेडी कांस्टेबल और उनकी जो टीम थी वो किस तरह से जो है वो, चूंकि वो व्यस्ततम चौराहा है तो अपनी गाड़ी तक वो कैसे जा रहे थे और क्या प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना का कभी भी रिकरेंस ना हो सके, तो हम चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। एक दो नहीं पूरे 5 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से अधिवक्ताओं में ही आक्रोश देखने को मिल रहा है और कलेक्ट्रेट में दर्जनों ही अधिवक्ता इकट्ठा हो गए और जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए तत्काल मुकदमे को निरस्त करने की मांग की है और यह पूरा मामला कोतवाल प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को लिखित पत्र देते हुए अवगत कराया। वकील साहब, क्या है पूरा मामला? ये अकबरी बेगम एडवोकेट जो है वो हमारी जूनियर अधिवक्ता है, उनके मकान के बगल में एक जो है देशराज कोष्टा करके रहते हैं। अकबरी बेगम और उनकी माँ को साथ घर में घुस के पहले उन्होंने मारपीट लूटपाट की थी, उसका मुकदमा CGM साहब के न्यायालय में चार दिन है जिसमें 17/3/23 वास्तव साक्ष नियत है। उस मुकदमे में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से और ये माँ बेटी मकान छोड़ के भाग जाए, उस मकान कब्जा करने के उद्देश्य से उसने एक झूठा मुकदमा, आज अखबार से जानकारी हुई कि
अकबरी बेगम के अकबरी बेगम एडवोकेट, और चूंकि अकबरी बेगम एडवोकेट हमारे वस्ते में वकालत करती हैं, इसलिए हमारे और हमारे बड़े भाई याकूब अली मंसूरी एडवोकेट और हमारे दो बच्चे जो IAS और IPS तैयारी कर रहे हैं वो भी अधिवक्ता है, उन पांचों के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा सरणगांठ करके पुलिस से थाने कोतवाली झांसी में अपराध संख्या 46/2023 धारा 323-327। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। औरैया जनपद के ही छलदा में रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लग गई और जिसके चलते ही 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गया है। घटना के समय दुकान मालिक निमंत्रण में ही एक गेस्ट हाउस में गया हुआ था और सूचना मिलते ही जब तक दुकान पर पहुंचा आग तेज हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। बदायूं जनपद के दातागंज में वृद्ध रोजगार मेला के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। उन्होंने वृद्ध मेला में रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र दिए हैं और वहीं श्रमिकों की शिक्षारत ही बेटियों को साइकिल और इसके साथ ही छात्रवृत्ति का अनुदान प्रमाण पत्र भी वितरित किया है। साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली रोजगार की तलाश में नहीं भागना पड़ेगा और प्रदेश सरकार अब उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान करा रही है। और वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश का विकास विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन चल रहा है का जो एक विरोध के लिए विरोध करने का जो विपक्ष ने फैशन बना लिया है वो बहुत दुखद है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष विकास पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी विकास पर बात करना चाहती है। अभी हम इन्वेस्टर समिट किए हैं, आप समझिए समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम रुहेलखंड के इलाके में बैठे हैं। यहाँ हमेशा से NCR के नाते का आकर्षण रहता है, लेकिन पूर्वांचल को पूरा गुंडा माफियाओं के हवाले कर दिया। बुंदेलखंड इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। इस इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश पूर्वांचल को मिल रहा है, 5 लाख करोड़ के आसपास का निवेश बुंदेलखंड को मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार होकर खड़ा ही नहीं हुआ है, चल दिया है। प्रधानाध्यापिका ग्राम प्रधान को अपमानित कर झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है और बीच गांव के ब्लॉक की ग्राम पंचायत पचरगढ़ में ही कंपोजिट विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका के मनमानी तरीके से कार्य चल रहा है, जिनमें ना तो वो पढ़ाई पर आती हैं और ना ही बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। वहीं ग्रामवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानाध्यापिका के ही डर से अभिभावक भी विद्यालय में जाने से डरते हैं। उनका कहना है कि ग्राम में ही प्रधान ने आरोप लगाते हुए इसको लेकर कहा है कि प्रधान अध्यापक उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करती है और साथ ही ग्रामवासियों ने बताया है कि उन्हें उनके बच्चों द्वारा ही विद्यालय में काम भी कराया जाता है, जिसमें बच्चों द्वारा भी बताया गया है कि उनके अध्यापक खाने में उन्हें केवल 2 रोटी ही देते हैं और मांगने पर मना कर दिया जाता है। वहीं ग्राम प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि विद्यालय में जाने पर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका जो है वह रसोइयों के द्वारा ही उनको अपमानित किया गया और गलत टिप्पणी भी की गई है और साथ ही विद्यालय में समिति बैठक हुई है जिसमें ना तो अभी तक कोई अधिकारी द्वारा उन्हें बताया गया कि अध्यक्ष कौन है। विद्यालय में शौचालय में भी ताले पड़े हुए हैं और कुछ शौचालय में गंदगी भी पड़ी है जिससे बच्चे शौचालय में शौच के लिए नहीं जाते हैं। विद्यालय में और प्रधान अध्यापिका का डर इतना है कि स्टाफ भी कुछ कहने से डरता नजर आया है। पीलीभीत के थाना बिसलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदपुर
बरजा में रहने वाले रविंदर कुमार गुरुवार को ही पीलीभीत के तहसील परिसर में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या की चेतावनी देने लगा। युवक का आरोप है कि उसने आवास के लिए आवेदन दिया था और सचिन ने ही उससे 20,000 की रिश्वत भी ले ली और इसके बाद भी उसका नाम सूची से गायब था। इसके बाद युवक ने अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की है। तहसील स्तर के अधिकारी लगातार युवक को कार्रवाई का आश्वासन देते रहे लेकिन युवक को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद गुस्साए युवक द्वारा ही तहसील परिसर में पहुंचकर पेड़ पर चढ़ गया और जब युवक के पेड़ पर चढ़ने की जानकारी लगी तो भारी संख्या में भीड़ तहसील परिसर पहुंच गई और युवक को समझाते बुझाते नजर आए। युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के ही राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार तहसील में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौजूद थे। मौके पर मौजूद बिसलपुर तहसीलदार संजय यादव और आला अधिकारियों ने बमुश्किल युवक को समझा बुझा कर नीचे उतरवाया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच में बोर्ड परीक्षा के प्रथम दिन की प्रथम पौली में ही संचालित हाई स्कूल के हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ नगर क्षेत्र में मौजूद परीक्षा केंद्रों महाराजा सिंह इंटर कॉलेज और आजाद इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और बहराइच का औचक निरीक्षण करते हुए कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और परीक्षा केंद्र व्यवस्थाओं और इसके साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेटों से भी जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी विगत 3 महीने से हम लोग कर रहे हैं और इसलिए समय समय पर जो भी शासनादेश प्राप्त होते हैं उसके अंतर्गत सभी जितने भी बोर्ड की परीक्षा में तैनात किए गए हैं अधिकारी कर्मचारी जो भी जिस रूप में, उन सबको प्रशिक्षित किया गया है। एक बार नहीं, कई बार प्रशिक्षित किया गया। उसका परिणाम यह है कि सभी लोगों को अपने दायित्व का पूर्णतः भिज्ञ हैं और यदि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपने दायित्व के प्रति भिज्ञ होगा तो उससे कोई भी गलती होने की संभावना कम रहती है। सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से चल रही है और हमारे साथ में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और यह देख रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार की नकल करने की कोई प्रक्रिया ना हो। जनपद बहराइच में यद्यपि ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं, लगातार हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने परीक्षा कराई थी लेकिन किसी संभावना से बचने के लिए हम लोग लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे और सघन परीक्षण पर्यवेक्षण करने के साथ साथ अच्छा परीक्षा यहां पर कराएंगे। बहराइच में देवीपाटन मंडल गोंडा के अपर आयुक्त राकेश चंद्र शर्मा ने ही जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तहसील सदर बहराइच का निरीक्षण कर अभिलेखकों के रखरखाव और कार्यालय भवन की साफ सफाई का जायजा लिया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुआ गांव निवासी राजेंद्र राय पुत्र गोविंद दास ने लिखित शिकायत देकर बताया है कि मेरे मोबाइल पर एक अनजान लड़की का फोन आया, उसने मुझसे मिलने को कहा और मैं 2 दिन उसको इस बात के लिए टालता रहा लेकिन उसकी जिद के आगे मैं खुद ही मऊरानीपुर मिलने पहुंचा तो वहां पर बस स्टैंड पर पहुंची, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गई और मुझसे अभद्रवारा चलने के लिए कहने लगी और जिस पर ना चलने पर भीड़ इकट्ठा करने की धमकी देने लगी। जब वो उसके साथ वहाँ स्थान पर पहुंचा तो उससे पहले ही उसके कमरे में 2 लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरे कपड़े उतार दिए और उक्त लड़की के साथ तस्वीरें भी ले ली। आपको बता दें कि गांव के एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से मेरी बात कराई और पैसे के लिए ही उससे कहा कि पैसा लाओ, जिस पर मैंने कह दिया कि 1,00,000 रुपए देने के बाद उक्त लोगों ने मुझ पर
आने घर आने के लिए भी कहा और बाकी पैसा देने और रिपोर्ट ना करने की धमकी दी गई है। जब मैंने कोतवाली आकर अपनी बात बताई है, घटना बताई है और पुलिस के द्वारा गांव के युवक को पकड़ दिया और घटना के अन्य दो युवक को महिलाओं की तलाश में पुलिस जांच में जुट गई है। लोगों ने मुझे ब्लैकमेलिंग करा जी, जिसके संबंध में मैंने थाना प्रभारी को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमसे पैसे डिमांड किए गए जी, 1.5 लाख रुपए मांगे गए, जिसमें 1 लाख रुपए उनके पास पहुंच चुके थे जी उस्मान खान के द्वारा जी, और 50,000 दूसरे दिन उनको देने की बात हुई जी। दूसरे दिन 50,000 देने आए जी, तो वो फिर उन्हें सूचना होगी कि पुलिस को जानकारी है, तो वो उसको पकड़ में नहीं आएगी जी। उस्मान को ले उसने संबंध में जी जी, तो उस्मान के मोबाइल से उसके लेडीज की फोटो बरामद हुई, जिससे उनका संबंध जाहिर है जी। अब उस्मान को ऊपर जी हमने उस्मान का नाम खोल के उसमें मुकदमा। कलेक्टर के अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला के भाई बहन और मां को बेखौफ दबंगों ने जमकर पीटा और तीनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अहिया रायपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बताते चले कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रायपुर निवासी विनीत शुक्ला अपनी माता के साथ दवा लेने जा रहा था और गाड़ी निकालने को लेकर उसकी मोहित यादव से कहासुनी हो गई, जिसको लेकर मोहित यादव और अंकित यादव विनीत की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। मैं कचहरी में था तो घर से फोन आया, मेरा छोटा भाई विनीत कुमार शुक्ला है, वो घर से गाड़ी लेकर के माताजी को लेकर के जा रहा था दवा लेने के लिए, तो वहीं घर के बगल में थोड़ा आगे 200 मीटर पर रास्ते में ही दो कमलेश यादव का मकान है, उनके दो लड़के मोहित यादव और अंकित यादव, और उनके कमलेश यादव के साले और उनकी पत्नी, इन तीन चार लोगों ने मिलकर, मेरा भाई जा रहा था तो रास्ते में टाइल्स पड़ी थी, कहा हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया, तो उसी में गाली गलौज करते हुए उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा वो किया तो तुमको जान से मार देंगे, और जिससे उसके सर पे और हाथ में चोटें आई हैं गंभीर रूप से, और हमने थाने में तहरीर दी है, आगे कार्रवाई की कोशिश। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, कलेक्ट्री के अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला के भाई बहन और मां को बेखौफ दबंगों ने जमकर पीटा है, तीनों गंभीर हालत में हैं, बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रायपुर निवासी विनीत शुक्ला अपनी माता के साथ दवा लेने जा रहा था और गाड़ी निकालने को लेकर उसकी मोहित यादव से कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर मोहित यादव और अंकित यादव ने विनीत की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा, रायबरेली डिपो की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहरिया में ही पलटी और सवारियों में चीख पुकार मच गई, और बता दें आपको निकट बस में ही बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला लखनऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत निगोहा टोल प्लाजा के पास का है, जहाँ पर कल सुबह 8 बजे लखनऊ से रायबरेली जा रही बस टोल टैक्स के पास रोड किनारे ही अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बैठे यात्री राम विनास और इसके साथ ही बता दें आपको कि महेश गुप्ता निवासी बहराइच, राकेश कुमार पुत्र शिवनाथ सुल्तानपुर थाना पूनम पांडे 36 वर्ष निवासी चारबाग लखनऊ, पूजा श्रीवास्तव पत्नी सुमित श्रीवास्तव जिला रायबरेली, मोहम्मद पुत्र इस्माइल अमेठी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूजा श्रीवास्तव हालत जिनकी गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल के लिए इन सबको रेफर कर दिया गया है। सर अभी जो सुबह दुर्घटना हुई है, कैसे क्या मामला है, क्या बताएंगे सर? एक बस जो कि लखनऊ से प्रयागराज की तरफ जा रही थी टोल प्लाजा के निकट, वो पलट गई है, इसमें 6 यात्री दुर्घटना कारण एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे लाए गए हैं जी, उसमें से 2 लोग गंभीर थे जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, बाकियों का इलाज चल रहा है। सर क्या नाम वगैरह है उनके, कुछ नोट है जानकारी? हाँ, नाम है इसमें एक राम निवास गुप्ता है, इनको रेफर किया गया गया है, एक राकेश कुमार जी है 30 साल जो कि सुल्तानपुर निवासी हैं, एक पूनम पांडे हैं जो कि लखनऊ के निवासी हैं, पूजा श्रीवास्तव हैं जो कि रायबरेली के निवासी हैं, मोहम्मद चांद जी हैं वो अमेठी के निवासी हैं, और एक भरद्वाज जी हैं जो शक्तिनगर रायबरेली।
झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ झांसी शब्द जोड़ने के बाद अब इसे टाइम टेबल और नेट पर जोड़ने और इसके साथ ही अमर वीरांगना झलकारी बाई की जन्म स्थली भोजन के निकट ही मौजूद मुस्तरा रेलवे स्टेशन का नामकरण झलकारी बाई के नाम पर किए जाने की मांग की है। ये मांग हमारी नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की मांग है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में मुस्तरा स्टेशन जहां के नजदीक भोजला ग्राम की माटी में वीरांगना झलकारी बाई ने जन्म लिया था और अपने आप को इस देश के लिए बलिदान किया, उनके नाम पर मुस्तरा स्टेशन का नाम हो। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि झांसी का नाम छीना गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।